বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। নতুন সংসদ ভবনে প্রথম বাজেট পেশ হবে। বুধবার সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধীদের এক হাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যে সমস্ত সাংসদরা অসংসদীয় আচরণের জন্য গত অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন তাদের কটাক্ষ করে বলেন, যারা অসংসদীয় আচরণ করেন তাদের কেউ মনে রাখে না। এদিন বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গত অধিবেশনে অনেক সাংসদরাই নিজের ইচ্ছে মতো আচরণ করেছেন। যে সকল সাংসদের অভ্যাস রয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিঁড়ে ফেলার, সংসদ বিরোধী আচরণ করার, আশা করি তারা নিজেদের আত্মসমীক্ষা করবেন, ভাববেন যে সাংসদ হিসাবে তারা কি কাজ করবেন। যারা সংসদে অশান্তি সৃষ্টি করেন তাদের কেউ মনে রাখবে না। এই বাজেট অধিবেশন অনুশোচনা করার ও ইতিবাচক ছাপ রেখে যাওয়ার সুযোগ। আমি সকল সাংসদের কাছে অনুরোধ করছি, এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, নিজেদের সেরাটুকু দিন। তিনি বলেন, যারা সংসদে ইতিবাচক অবদান রয়েছে তাদেরকে সকলে মনে রাখে, কিন্তু যারা অশান্তি সৃষ্টি করেন তাদের খুব কম সংখ্যক মানুষই মনে রাখেন। এই বাজেট অধিবেশন আপনাদের কাছে সুযোগ, দিনের সেরাটা দিন। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, নতুন সরকার তৈরি হলে বিজেপি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে। তিনি বলেন, আমরা ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন সরকার গঠন করার পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করব। গত 10 বর্ষ মে জিসকো জো রাস্তা সুজা উস প্রকার সে সংসদ মে সবনে আপনা আপনা কার্য কিয়া। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हृदय करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग होल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का
समय निकट होता है तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरई न्यूज़।